हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग टिप्स एंड रेमेडीज़। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिस प्रॉब्लम को लेकर बॉयज़ गर्ल्स सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों को अपनी इस रेमेडी में ये बताऊंगी कि हम अपने पिंपल्स जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उससे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज ऐसी टू रेमेडीज़ बताऊंगी पिंपल्स के लिए, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने एक प्लांट से ताज़ा एलोवेरा ले लिया है। एलोवेरा लेने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब मैं इसे दोनों साइडों से इसके जो कांटे हैं उसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद आप इसका जो ऊपर वाला छिलका है उसे भी कट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर का जितना भी जेल है हमें उसे यूज़ करना है, तो इसीलिए हम उसके जेल को ही, ये देखें फ्रेंड्स, मैं इस तरह से कट कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह इसे कट करना है ताकि हमें यूज़ करने में आसानी हो इसे। फ्रेंड्स देखें, मैंने एलोवेरा पर काफ़ी सारे कट लगा दिए हैं ताकि ईज़िली यूज़ कर सके। उसके बाद यहाँ मैंने हल्दी ली है जो हम इजीली घर में यूज़ करते हैं, मैंने वही हल्दी ली है। अगर आप ताज़ा हल्दी जो मिलती है पंसारी की शॉप से, रेमेडी में अक्सर यूज़ किया जाता है, वो लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बट मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने यही यूज़ किया है। उसके बाद हम इसके ऊपर अच्छे से बिल्कुल एक मोटी लेयर की तरह लगा देंगे हल्दी को। उसके बाद आपको जहाँ पर भी फ्रेंड्स पिम्पल्स हैं, जहाँ पर भी आपके नेक पर, आपके फेस पर या आपके हैंड पर, आप उस जगह पर इस तरह से राउंड राउंड कर कर बिल्कुल स्लोली स्लोली आपने इसे लगा लेना है। और फ्रेंड्स, लगाने के बाद 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 20 से 25 मिनट के बाद अपना हैंड वॉश कर लिया था। ना ही सिर्फ ये पिंपल्स रिमूव करता है बल्कि ये वाइटनिंग के लिए भी बहुत बेटर है। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही फ्रेंड्स आप लोगों को काफ़ी फ़र्क फील होगा ख़ुद ही, और आप लोग जो है इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा और इसे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, स्पेशली वो लोग जिनको गर्मियों में बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं। अब मैं आपको एक और रेमेडी बताऊंगी पिंपल्स के हवाले से फ्रेंड्स, उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसी को कुछ चीज़ें जो है सूट कर जाती हैं, किसी को कुछ चीज़ें सूट कर जाती हैं, तो इसलिए मैं दो रेमेडीज़ बता रही हूँ पिंपल्स के लिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर भी मैंने एक एलोवेरा ले लिया है और एलोवेरा को साइडों से कट करके इस एलोवेरा में से हमें इसका जो है बीज का गोदा निकालना है। उसके बाद मैं ऊपर के लेयर को कट कर दूँगी। कट करने के बाद इसके बीच में जितना भी गोदा है इसको अच्छी तरह से हमें कट करके सारा जो है बिल्कुल रिमूव कर लेना है, आई मीन इसे निकाल लेना है किसी बर्तन में। इस तरह छोटे छोटे कट लगाने से ये होगा हमारा एलोवेरा इजीली कट जाएगा। फ्रेंड्स फिर ये आप इसे किसी भी बर्तन में डाल लें। मैंने इसे पूरा अच्छे से जो है एक बाउल में डाल लिया है, देखें। अब उसके बाद मैंने यहाँ नीम के पत्ते जो है, नीम के पत्ते का पाउडर लिया है फ्रेंड्स। नीम का पत्ता ये मैंने घर पर ही सुखाया था, मार्केट पे भी अवेलेबल होता है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं, बट अगर आप नीम के पत्ते को सुखा कर इसे ग्राइंड कर लें तो घर पर ही ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो मार्केट के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं तो वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं नीम के पत्ते को घर पर सुखा कर खुद जब वो बिल्कुल कड़क हो जाते हैं तो उसे ग्राइंड कर लेती हूँ, स्पेशली पिंपल्स के लिए। तो ये गर्मियों में स्पेशली रखती हूँ ताकि काफ़ी मैं इसका फ़ायदा उठा सकूँ। देखिए फ्रेंड्स, नीम का जो पाउडर था उसे मैंने एलोवेरा में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ी देर तक मिक्स करने के बाद इस तरह का उसका टेक्सचर बन गया है। अब आपको जहाँ पर भी पिंपल्स हैं, जहाँ पर भी आपके दाने हैं या एक्ने हैं, आप इस तरह हल्के हल्के जो है यूं कर कर इसे लगाएं। लगाने के बाद थोड़ी देर तक आप हल्के हल्के से मसाज करते रहें फ्रेंड्स, ताकि आपके जितने भी पिंपल्स हैं उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाए
और आपके जो पिंपल्स हैं वो जल्दी रिमूव हो जाए। बिल्कुल हल्के हल्के आपने करना है। 3 से 4 मिनट तक इस तरह मसाज करने के बाद हमें इसे वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने जो आप लोगों को ये दोनों रेमेडीज़ बताई हैं, यकीन करें ये पिंपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक्नी, पिंपल्स जिनके ज़्यादा उतर होते हैं और गर्मियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा होते हैं पिंपल्स, गर्ल्स या बॉयज़ दोनों के ही हो सकते हैं, तो ये रेमेडी दोनों के लिए है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिनको पिंपल्स है स्पेशली वो लोग, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।